Hey guys, I am Utkarsh and you are watching Insane Luck Story. So in this video, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे mistakes बताऊंगा जो बहुत लोग करते हैं एक हेयर कट कराते वक्त, और एक ऐसी mistake बताऊंगा जो 99% लोग करते हैं एक हेयर कट कराते वक्त। पहले मैं भी करता था, पर अब बहुत लोग करते हैं, मैंने खुद देखा अपने दोस्तों करते हुए। तो अगर आप उन mistake से बचना चाहते हैं और एक सेटिस्फाइड हेयर कट चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वरना आप कोई ना कोई पार्ट मिस कर देंगे और जो कि आपके हेयर कट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो बहुत बेसिक टिप्स। अगर आप किसी शॉप पे हेयर कट कराने जाते हैं तो हमेशा उसी शॉप पे जाइए, और हर शॉप पे कई सारे बंदे काम करते होते हैं, तो आप उसी बंदे से काम कर अपना हेयर कट करवाइए जो आपका हेयर कट करता रहता हो या जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो। और दूसरी चीज़, हमेशा हम लोग हेयर कट कराने के बाद हेयर वॉश करते हैं, बट हम लोग को हेयर कट कराने के पहले भी वॉश करना है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो एक्सपर्ट सैलून्स होते हैं वहाँ पे हेयर कट के पहले भी वॉश करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं बालों में, वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप हेयर कट कराने जाते हैं किसी नॉर्मल बार्बर के यहाँ, तो आपको हेयर कट कराने के पहले भी हेयर वॉश करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जनरली वो क्या करते हैं, जब वो बाबा के यहाँ जाते हैं तो उससे कहते हैं कि भैया साइड से छोटे कर दो, इस साइड से भी छोटे कर दो और पीछे से छोटे कर दो और ऊपर के लंबे रखो। तो ये चीज़ देख सोच के वो पूरे एक जैसे कर देता है, और ये आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या करना है कि ये स्लोप में कटाने हैं, नीचे एक नंबर, ऊपर थोड़े दो नंबर और ऊपर तीन नंबर ऐसे, और इधर भी वही कराना है। और पीछे उससे कहिए कि पीछे भी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करे, और पीछे यहाँ पे इसको स्क्वायर ना करें, इसको ऐसे ही छोटा होकर छोड़ दें। तो ये चीज़ आपके हेयर्स पे बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ऊपर के बाल लंबे रखते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऊपर के बाल लंबे रखते हैं, साइड छोटे रखते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे उससे कहिए कि आपके एक लाइन दे दे, एक बॉर्डर लाइन टाइप की, जिससे आपके ये बाल हमेशा इधर को रहेंगे, वरना आपके बाल बहुत भागेंगे इधर उधर। तो आपको ये चीज़ ज़रूर रखनी है। थर्ड टिप इज़, जब भी आप हेयर कट कराने जाएं और अगर आपको अपनी साइड्स छोटी रखनी है तो आप क्या करिए, उससे कहिए मशीन मत लगाएं, क्योंकि मशीन से क्या होता है कि आपकी जो साइड्स होती हैं वो जल्दी ग्रो करती हैं, और ये ऐसे फिर आफ्टर 10 डेज खड़ी खड़ी सी हो जाएंगी ऐसे ऐसे, जैसे मेरी हो गई है। मैंने लॉकडाउन के बाद पहले हेयर कट कराया था। तो आपको करना, उसे कहना है सीजर से करें, और सीजर से आपके बालों में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इन साइड्स में। तो आपको सीजर से ही कराना है, सीजर से बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको सीजर ही रिकमेंड करूँगा। तो अब मैं आप लोग को वो मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 99% लोग करते हैं, मैंने बताया था। तो होता क्या है कि जब आप हेयर कट कराने जाते हैं तो आपका बार्बर सारे बाल इधर के छोटे करके, इधर के छोटे करके और इधर के छोटे करके ऐसे करता है, मतलब एक साइड को करता है, और फिर ये वाली जो आपके बाल होते हैं इस एरिए के, इसको सीधी कैंची से काट देता है। ये पूरा लुक ख़राब कर देते हैं। तो उस आपके बाल के पास एक स्पेशल टाइप की कैंची होगी जिसमें टीथ होते हैं, दांत वाली ऐसी। तो आप कहिए कि मेरे साइड के बाल उससे काटो, तो आपको उसको पहले बता देना, वरना आपका पूरा हेयर कट का लुक ख़राब हो जाएगा अगर ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। तो आपको इसको हमेशा टीथ वाली कैंची से ही कटवाना है। ये एक बहुत अच्छा लुक देगी, बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। मैं तो अपने ऊपर के सारे बाल टीथ वाली कैंची से कटवाता हूँ, वो बहुत अच्छा टेक्सचर देते हैं बाल को, वरना ये स्ट्रेट पूरे, अगर वो स्ट्रेट काट देगा तो बहुत अजीब लगेगा। अगर उसके पास टीथ वाली कैंची ना हो तो आप उससे कहिए कि इसको ज़िगज़ैग में काटे ऐसे ऐसे करके, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रेट बिल्कुल मत कटवाइए ऊपर के बाल, वो बहुत अजीब लगेंगे। सो द नेक्स्ट टिप इज़, आप अपने हेयर स्टाइल को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी ओवर स्टाइलिंग की वजह से आपके बालों को बहुत डैमेज हो सकता है, बहुत बाल टूट सकते हैं। तो बहुत फ्रीक्वेंटली मत चेंज करिए, हर दो तीन महीने में आप चेंज कर सकते हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं। अगर आप जैसे बाल कटवाते हैं वैसे ही कटवाइए, आपके बाल नॉर्मली सेट रहेंगे और आपके बार्बर का हाथ भी आपके बालों पर सेट रहेगा, तो इससे आप ही को फ़ायदा है। वरना हर बार हेयर स्टाइल चेंज करने से आपका बार्बर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और कोई गलत भी काट सकता है, तो जिससे आप अनसेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल ऊपर के लंबे हैं और आपकी साइड हेयर ग्रोथ भी अच्छी हैं, तो आप इसको बिल्कुल इससे मिला के रख सकते हैं जैसे कार्तिक आर्यन के हैं, और अपनी बियर्ड को, ये जो आपके ये साइड्स होते हैं, इससे हल्का सा छोटा रखें। मतलब जैसे कि अगर ये तीन नंबर में है तो इसको आप एक रखें, तो ये बहुत ही सेक्सी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बियर्ड वैसी है नहीं, वरना मैं बिल्कुल वैसे ही रखता, तो
आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है तो बालों को साइड के बाल को लंबा रखें और ऊपर के बालों को भी लंबा रखें, वो बहुत अच्छा लगता है, बट साइड के बालों को ऊपर के बालों से थोड़ा छोटा रखें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और ये बहुत सेक्सी लगता है मुझे। और ब्रो अगर आप लोग नए नए हेयर स्टाइल्स के शौकीन हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रोनाल्डो को फॉलो करिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। भाई मैं तो उनके हेयर स्टाइल्स बहुत ट्राई करता हूँ, मुझे हर हफ्ते एक नया हेयर स्टाइल देखने को मिलता है, भाई वो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर फॉलो करिए। मैं तो उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे उनके हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। और भाई मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा देख के। ऐसे सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, और लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए और बताइए कि आप कैसी हेयर स्टाइल कराते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और थैंक यू।